मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 चल रहा था हमारे पास। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, और लास्ट में पढ़ा था हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसकी एक प्रॉपर्टी और बच रही है हमारे पास, क्या z dot z bar is equal to real part of z का square plus imaginary part of z का square। देखिए भाई, z प्रूफ करेंगे हम इसे। प्रूफ करने के लिए माना, let z is equal to, z क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus iota b की फॉर्म में, और z बार इसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है a। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा और b। ये हो गया z डॉट z बार। हम LHS ले रहे हैं, LHS z डॉट z बार इज इक्वल टू, देखिए भाई z की वैल्यू हो गई आपके पास a प्लस आयोटा b इनटू a माइनस आयोटा b। a प्लस बी और a माइनस बी होता है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये हो गया पूरा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर। देखिए भाई, ए स्क्वायर, ए क्या थी हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इन जेड, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास RHS। तो भाई हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट z dot इज इक्वल टू रियल पार्ट इन z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास कॉन्जुगेट की। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका निकालना है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ जेड, ये से बोलते हैं मॉड्यूलस, मोड ऑफ जेड। तो भी मोड की वैल्यू क्या होती है, मोड की वैल्यू आती है पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव रियल नंबर, इंप्लाइज दैट मोड ऑफ जेड की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। मोड ऑफ जेड को आप लिखते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है हमारे पास क्या, रियल पार्ट इन जेड, बी है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इन जेड। तो भाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड। तो ये कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2+3 iota, ठीक है भाई। यहां से आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारे पास 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो मोड ऑफ जेड निकालने के लिए आप करोगे क्या, अंडर रूट रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर। देखो मैंने ये बताया था, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9, अंडर रूट 9 और 4 13। ये देखिए भाई पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, पॉजिटिव रियल वैल्यू है। तो ये हो गया आपके पास मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस निकाल सकते हो आप। कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की, जिस तरीके से अपने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी टाइप से मॉड्यूलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए भाई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस जेड। मोड ऑफ जेड की वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल होती है किसके, जेड बार का मोड इज इक्वल टू माइनस जेड का मोड। तो भाई निकालते हैं हम प्रूफ, जो भी प्रॉपर्टीज है सबको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये ए उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हम निकालते हैं जेड बार, सबसे पहले जेड बार निकाल लिया। जेड बार क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए माइनस आयोटा बी, इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ जेड बार, तो भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मोड ऑफ जेड जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम निकालते हैं माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब माइनस जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी, तो भाई माइनस जेड हमारे पास आ गया माइनस ए माइनस आयोटा बी। नेक्स्ट माइनस जेड का मॉड्यूलस अंडर रूट, भाई रियल पार्ट क्या है हमारे पास, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। मोड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों आपस में क्या है, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या मिला, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड का मोड। तो भाई तीनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सेम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड नंबर, Z
जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, जेड बार होगा हमारे पास ए माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट ऑफ जेड। चलो भाई हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, जेड डॉट जेड बार, जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी, जेड बार की वैल्यू क्या आएगी ए माइनस आयोटा बी। तो भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भाई आयोटा की स्क्वायर माइनस वन, ऐसे होगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और बी स्क्वायर, तो भी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए भाई इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम निकाल लेते हैं मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू भाई अंडर रूट का स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ भाई, जेड डॉट जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये थी आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जेड वन डॉट जेड टू का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू। देखिए मैं प्रूफ, लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। हमें निकालना है जेड वन इंटू जेड टू, सबसे पहले जेड वन जेड टू निकालेंगे तो भाई ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, ए सी। देखिए भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये हो गया माइनस बी डी, यहां मैंने लिख दिया माइनस बी डी, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया ए डी प्लस बी सी, तो ये आ गया हमारे पास जेड वन इंटू जेड टू। हमें निकालना है मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, तो भी यहां निकाल लेते आप एल एच एस लेके मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए भाई रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप क्या लोगे, जेड वन का मोड इज इक्वल टू, सबसे पहले जेड वन का मोड निकालते हैं अपन, या फिर आप आर एच एस ले लो सीधा, क्या मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू। मोड ऑफ जेड वन का वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड वन और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
अंडर रूट भाई क्या लिख सकते हो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंबाइंड करके इनटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन या फिर इसे खोल के लिखते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यह आ गया आपके पास आरएचएस इक्वेशन, फर्स्ट दे दो इसे। इसको भी आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। एलएचएस क्या था हमारे पास, अंडर रूट ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो भी थोड़ा सा इसे ऐसे लिखेंगे खोल के, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी टू ए सी ए बी सी डी प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी। टू ए बी सी डी तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड देखिए भाई, इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के आपस में क्या है, इक्वल है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या है भाई, फर्स्ट तो क्या था आपके पास आरएचएस, जो कि वैल्यू कितनी किसकी थी, जेड वन डॉट जेड वन बार डॉट जेड टू बार इज इक्वल टू क्या था, एलएचएस जेड वन डॉट जेड टू का बार। तो ये हो जाएगा आपके पास जेड वन जेड टू का बार इज इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार। तो भी ये थी बात हमारे पास मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कुछ। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, फोर प्लस आयोटा, सेकंड है माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, थर्ड है 1 अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। तो भी देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 प्लस आयोटा, हमें निकालना है मोड ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट भाई इसके मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ z इज इक्वल टू हो गया 4 4 16 प्लस 1, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 17। ये हो गया आपके पास आंसर। सेकेंड नंबर जेड आपको दिया हुआ है माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर। तो भाई माइनस टू का स्क्वायर 4 प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर 9, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया आपके पास अंडर रूट 13। नंबर थर्ड ये आ गया आपके पास आंसर, थर्ड है 1 अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। भाई सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे आप इसका, तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। भाई डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया आपने, तो z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन a प्लस b इनटू a माइनस b, 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा।
थ्री प्लस टू आयोटा अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री प्लस टू आयोटा अपॉन थ्री की स्क्वायर नाइन प्लस आयोटा स्क्वायर और ये फोर, थ्री प्लस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो नाइन माइनस फोर, यह आ गया आपके पास कितना फाइव, तो ये थ्री अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन फाइव आयोटा, ये आ गया आपके पास क्या नॉर्मल फॉर्म। अब इससे आप क्या निकालोगे मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड के लिए क्या करोगे अंडर रूट थ्री अपॉन फाइव का स्क्वायर प्लस टू अपॉन फाइव का स्क्वायर। देखिए भाई थ्री के स्क्वायर नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव आपने एलसीएम ले लिया नाइन प्लस फोर तो भी ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट थर्टीन और नीचे फाइव का ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास वैल्यू आई फाइव, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड इसके लिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और मॉड्यूलस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है, उसके बाद आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो थैंक यू गाइस।